आपके कुछ विशेष भक्तों को यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त होना अनुचित होगा। तुम्हारे निवेदन में माँ का वात्सल्य झलक रहा है देवी। हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हैं। सच्चे शिव भक्तों को यहाँ तक पहुँच सकने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। आपके भक्त यहाँ किस प्रकार पहुँचेंगे स्वामी? हमारी प्रेरणा उन्हें अमरेश्वर पहुँचने का निमंत्रण दे। धन्य हो स्वामी, मेरी इच्छा का सम्मान कर आपने शिव भक्तों पर जो कृपा की उससे मैं कृतार्थ हुई। अब इसी शुभ अवसर पर मेरी एक और इच्छा पूर्ण करें। देवी पार्वती, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तुम इस पवित्र गुफा में आई, अतः निवेदन की आवश्यकता नहीं। देवी पार्वती, जिस प्रकार इस पवित्र गुफा में आने वाला जीव अमर हो सकता है, उसी प्रकार किसी भी जीव के कानों में दिव्य ब्रह्मज्ञान पड़ जाने से वो ब्रह्मज्ञानी बन इस सृष्टि की समस्त व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है। किंतु डमरूनाद से क्या होगा? इस डमरूनाद के भीषण स्वर से इस गुफा के आसपास रहने वाले जीव जंतु दूर भाग जाएंगे। क्या जीवन यहाँ भी है स्वामी? आश्चर्य है कि यह प्रश्न हमसे पर्वत नंदिनी पार्वती पूछ रही है। देवी, जीवित रहने की आकांक्षा जीवात्मा को कहाँ कहाँ ले जाती है, यह जानकर आपको अपार आश्चर्य होगा। आश्चर्य तो मुझे इस गुफा को देखकर भी हो रहा है स्वामी। हम इसी आश्चर्यचकित करने वाले स्थान पर आपको ब्रह्म ज्ञान का अमर संदेश प्रदान करेंगे। इसी कारण भविष्य में ये गुफा अमरनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध होगी। जय अमरनाथ धाम। आज हमारे प्रिय मास श्रावण की पूर्णिमा है। आज के दिन जो श्रद्धालु शिव भक्त हमारी प्रेरणा प्राप्त कर यहाँ हमारे प्रतीक शिवलिंग के दर्शन करेगा, उसे अमरता के साथ ही साथ वैसा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जैसा अब हम तुम्हें प्रदान करेंगे। अर्थात क्या अब प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर यहाँ आपका प्रतीक पूर्ण हिम शिवलिंग अवतरित होगा? हाँ देवी, आज से प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में चंद्रमा के बढ़ने के साथ ही साथ मेरा प्रतीक हिम शिवलिंग अवतरित होकर पूर्णिमा के दिन पूर्ण होगा, तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही अमावस्या तक मुझ में विलीन हो जाएगा। देवी, इस आसन पर विराजमान हो जा। ब्रह्म ज्ञान की कथा
अत्यंत रहस्यमय तथा कठिन है। हम ये ज्ञान तुम्हें समाधि अवस्था में प्रदान करेंगे। इसे कहते हुए हमें तथा सुनते हुए तुम्हें रोमांच का अनुभव। अतः सुनने की सहमति का हुंकार भरती जिससे हमें यह ज्ञात रहे कि तुम ध्यान से ब्रह्म कथा सुन रही। जो आज्ञा। शक्ति स्वरूपा पार्वती, तुम्हें यह ज्ञात हो कि पूर्व काल में हमने अपने निर्गुण दिव्य तेज से पंचक्रोशी नगरी का निर्माण किया। इसी पंचक्रोशी नगरी में श्री हरि विष्णु पुरुष के रूप में प्रकट होकर हमारे पंचाक्षरी मंत्र का प्रणव सहित ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हुए जप करने लगे। ओम नमः शिवाय। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र निरंतर जप से एक दिव्य ध्वनि का निर्माण। उस दिव्य ध्वनि से आनंद की लहरें उठने लगी। श्री हरि विष्णु का संपूर्ण शरीर इस आनंद लहरी का अनुभव करने लगा। उनके शरीर से पवित्र ओंकारमय ध्वनि निकला। ये ओंकारमय ध्वनि इस बात का संकेत कि परम पुरुष श्री हरि विष्णु को ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार होने लगा था। ये ब्रह्म ज्ञान शिव का स्वरूप जो जीवात्मा कुछ परमात्मा स्वरूप के इस ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में स्थित देख ले वो साक्षात हमें अर्थात शिव तत्व को प्राप्त कर ले। लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि के कण कण में शिव तत्व की अनुभूति प्राणी मात्र की श्रद्धा और भावनाओं को आहत न कर तथा संपूर्ण संसार को शिव की रचना मानने वाली जीवात्माओं को शिव ज्ञान की प्राप्ति हो। अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट न मानना तप जप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वालों के मार्ग में बाधक न बनने वाली अहंकार रहित जीवात्माओं को शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। शिव तत्व शिव ज्ञान और शिव भक्ति की प्राप्ति से मन
आत्मा और बुद्धि तेजस्वी तथा ओजस्वी बन जाती है। इतना प्राप्त कर लेने पर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचता। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है शिव चरणों में अपना जीवन समर्पित कर निरंतर हमारे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाहित। ओम अग्र पूजा को समर्पित त्रिदेवों का प्रतीक आदि स्वर शिव जीवन के कल्याण का स्वरूप तथा उस कल्याण रूपी शिव स्वरूप नमन ब्रह्म रूपी शिव को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। यही ब्रह्म ज्ञान का सत्य है, यही शिव की सुंदर रचना है। मेरे द्वारा प्रकट सत्यम शिवम और सुंदरम से युक्त यह ब्रह्म ज्ञान उन्हीं महाभागों को प्राप्त होता है जो मेरे स्वरूप में अगाध श्रद्धा रखते हैं। मेरी आज्ञा अनुसार धर्म मार्ग पर चलने वाले प्राणी मेरी ही कृपा से मल एवं माया से मुक्त होकर मेरे परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप में लीन हो जाते हैं। स्वयं मेरे द्वारा रचित एवं कहे गए इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त ज्ञानी इस ज्ञान के प्रकाश रूपी अग्नि से अपने कर्म में शरीर को क्षण भर में जलाकर मेरी कृपा से कर्म बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तब इस सृष्टि का गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी उसके सम्मुख रहस्य नहीं रह जाता, कारण कि वो स्वयं शिव तत्व प्राप्ति का प्रतीक बन जाता। यही है परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान जिसे पाकर तुमने अपनी आत्मा को मुझ परात पर ब्रह्म में समाहित कर दिया है। अब तुम स्वयं शिव तत्व शिव ज्ञान और शिव भक्ति की प्रतीक। सो रही हो पार्वती, तुम अपनी निद्रा को रोक न सके। परम शिव तत्व और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर तुम्हें निद्रा ही प्रिय। आश्चर्य हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा है? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। महादेव जी, आपकी आज्ञा के बिना तीनों लोकों में एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। मुझे आपके डमरू नाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला।
क्या आपकी इच्छा के बिना कपोत जैसा साधारण प्राणी इस भयानक शीत प्रदेश में एक क्षण भी जीवित रह सकता है? इसके उपरांत भी यदि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझे दंड दे भोलेनाथ। मैं पापी आपके दंड का ही योग्य हूँ स्वामी। मन छोटा न करो स्वामी, ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारी पात्रता पहले ही निश्चित हो गई थी, अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हो ब्रह्म ज्ञानी धाम में। भोलेनाथ, भोलेनाथ,